हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मैं गई थी शॉपिंग पे, आपको पता है, जो आपने मेरी पहली वीडियो भेजी है, देखी है, सॉरी। तो उसमें ये था कि अगर मैं उसमें ही ये वीडियो ऐड करती तो टू लॉन्ग हो जाना था व्लॉग, तो आप लोगों ने हो जाना था बोर। तो इस वजह से मैंने बनाई ये वीडियो घर आके सारे कपड़ों की सेपरेट। तो आपको दिखाऊंगी मैं रहीम के लिए क्या लेकर आई हूँ और समी मोहम्मद के लिए क्या लेकर आई हूँ। तो रहीम के लिए मैंने पजामा सूट ज़्यादा लिए थे, क्यों? क्योंकि पजामा सूट का ये होता है कि बच्चा बहुत कम्फर्टेबल रहता है इसमें, और जीन्स में थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल रहता है, मुझे भी फील होता है, तो मुझे लगता है बच्चा भी ऐसे ही है। तो अगर माँ फील करती है तो डेफिनेटली बच्चे में थोड़ा सा ऐसा होगा। और ये देखें जी, ये मैंने लिया था पजामा सूट, ये 4 सेट था, मतलब कि 4 सेट, 2 पजामे थे और 2 ही ये जंपर बने हुए थे। और ये देखें जी, ये पजामा था इसका, और ये ऊपर से इलास्टिक वाला बना हुआ था। ये देखें आप, मैं आपको पूरी डिटेल में दिखाती हूँ। और बड़ा नाइस है, ये कॉटन फैब्रिक था, ये देखें। और ये नीचे से भी इलास्टिक वाला ही बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं इस तरह। तो ये हो गया जी रहीम का पजामा, फर्स्ट वाला पजामा सूट। ये देखें जी, इसका जंपर भी ऑल ओवर सेम है, डायनासोर। ये देखें जी, आजकल डायनासोर हर जगह बहुत ज्यादा इन हुआ हुआ, जिस बच्चे को देखें डायनासोर टॉप पहना हुआ है, यहाँ भी टॉय पकड़ा हुआ है उसने। तो मैंने कहा चले मोहम्मद समी के लिए भी लिया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये था जी पजामा सूट एक, ये बना, और एक उसने ऑलरेडी पहन लिया हुआ, ये 4 का था। तो चलें जी, मैं दूसरा दिखाती हूँ। एक मैंने लिया था ये, क्योंकि रहीम को शॉर्ट्स बहुत पसंद है और आजकल इन हुआ हुआ जंपर के साथ शॉर्ट, तो विंटर है, पर यह है कि बाहर जाने के लिए तो ऐसा ही है कि हम लोग ट्राउजर वगैरह ही पहनाएंगे, पर घर के अंदर ठीक है। ये बनी थी शॉर्ट, ये आप देख रहे हैं, ये बनी हुई है शॉर्ट, ये देखिए जी, ये कॉटन फैब्रिक है, और ये फैब्रिक ऐसे होते हैं कि खराब ही नहीं होते। ये देखें जी, ये देखें, ये शॉर्ट बनी हुई है, और ये फ्रंट पे इन्होंने पॉकेट दी है छोटी सी बच्चे की, और ये इसका जंपर बना हुआ है सेम, और इसकी पॉकेट बनी है। ये देखें जी, कितना प्यारा लग रहा है। और इसके ये जो सा नीचे वाला एरिया, ये देखें जरा, इधर इलास्टिक बना हुआ है, और इसके सेम बाजू भी ऐसे ही बने हुए हैं, ये देख रहे हैं आप इस तरह। तो ये था एक सेट रहीम का, तो ये भी हो गया डन। ये वाला भी मैंने ले लिया था इसके लिए, क्योंकि ये शॉर्ट्स वगैरह ज़्यादा लाइक करता है। तो ये हो गया दूसरा सेट, ये मैंने लिया था रहीम के लिए। थर्ड वाला मैंने लिया था ये वाला, ये भी ऐसा ही है, फ्लीस टाइप बना हुआ है, और ये इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि शायद किसी मोहम्मद समी के साइज़ का होता तो मैं ज़रूर लेती। ये भी बहुत सॉफ्ट है बच्चे के लिए, घर में पहनाने के लिए ये बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। बाहर पहनाएं, घर पहनाएं, ये तो मर्जी है, बच्चों को ऐसे ही कपड़े सूट करते हैं। ज़्यादा बच्चे को स्पेशल बनाया जाए, मेरे बच्चे तो रो रो के पागल हो जाते हैं कि इतने टाइट वगैरह कपड़े नहीं। ये था इसका पजामा, ये देखें जी, और ये भी टॉप से इसी तरह ही है, ऊपर से देख रहे हैं आप, ये इलास्टिक वाला बना हुआ है। और दूसरे वाला इसका जो जंपर है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये वाला मैं साथ साथ रखती जा रही हूँ तरीके से कि फेंकू ना, क्योंकि बाद में फिर खुद ही उठाना पड़ना है, तो इसलिए मैं दिखाती जा रही हूँ और साथ साथ रखती जा रही हूँ। ये देखें जी, ये भी इसका सेम वैसा ही है जंपर। तो ये था जी रहीम के पजामा, और ये था 2 पीस, जो पहले भी मैंने दिखाए वो भी 2 पीस हैं, और ये भी 2 पीस है। और मैं अब आपको दिखाऊंगी 3 पीस, ये है जी 3 पीस। ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, ये रेम्बो डिज़ाइन बना हुआ था, तो बड़ा नाइस सा लग रहा था, कलरफुल सा। बच्चों को कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं, मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, और क्यूट भी लगते हैं बच्चे, उनकी एज ही ऐसी होती है ऐसे कपड़ों वाली। ये देखें जी, इसकी साइड पर उन्होंने रेम्बो स्टाइल का उन्होंने दिया हुआ, ये स्ट्राइप सा दिया हुआ, और फ्रंट पे उन्होंने इसी तरह ही इलास्टिक वाला बनाया हुआ है ट्राउजर। ये देखें जी, ये देखें, मैं आपको क्लोज करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये इस तरह इसका ट्राउजर है, और इसको हम कर देते हैं फोल्ड, और इसको हम दिखाते हैं जी इसके अंदर। इसके उन्होंने दिया, ये 3 पीस सेट है, और इसके अंदर उन्होंने दी हुई है ये शर्ट। ये शर्ट आप देख लें जी, ये शर्ट उन्होंने अंदर दी है, ये भी मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ये शर्ट है इसकी, आप देख रहे हैं, ये शर्ट हो गई, और ये इसके ऊपर उन्होंने हुडी दी हुई है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा सेट हो गया। आपको हो सकता है कि क्लियर वीडियो आएगी, क्योंकि मैंने कैमरा भी ऐसे ही रखा हुआ था कि सारी चीज़ें आपको क्लियरली नजर आए। इस तरह आइडिया हो जाता है बच्चों के कपड़ों का भी, तो पता भी चल जाता है कौन से आजकल स्टाइल इन है, और सारा बच्चों के लिए। ये देखें जी, ये ट्राउज़र था, ये हुडी बनी हुई थी, और ये बच्चों की ये इनसाइड शर्ट बनाई हुई थी,
और बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाइस लगते हैं और थ्री पीस बच्चों को सूट करते हैं इस टाइप के। चलें जी मैं इसे भी साइड पे करती हूँ। ये लें जी, ले जी, अब ये भी पैक हो गया था और इसको भी मैं रख देती हूँ साइड पे। ठीक हो गया जी। अब मैं लेकर आऊंगी ये वाला हुडी वाला सेट। ये एक्सप्लोर लिखा हुआ है इसके ऊपर फ्रंट पे, ये एम्ब्रॉयडरी स्टाइल में हुआ हुआ है और नीचे उन्होंने जस्ट प्रिंट के साथ ये राइटिंग की हुई है। और अभी जो सा ये इस तरह बना हुआ है और इसके ऊपर उन्होंने हुडी दी हुई है ये टॉप पे ब्लू कलर की, तो मैचिंग हो जाती है इसकी इसके साथ एम्ब्रॉयडरी के साथ। तो ब्लू और येलो तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। और इसके साथ मैंने ली थी जीन्स रहीम की, क्योंकि जीन्स तो चले जी मैंने कहा एक जीन्स भी होनी चाहिए, सारे ही ट्राउजर हो जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये देखें जी, ये हो गई थी जीन्स और जीन्स के साथ मैंने रखा था ये जम्पर। आप बताएं कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये? तो क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया मैं अपने बच्चों के बहुत कलरफुल से कपड़े लेती हूँ, मुझे बहुत नाइस लगते हैं, बड़े क्यूट लगते हैं बच्चे मुझे। तो ये देखें जी, ये हो गया था एक सेट रहीम का ये भी। तो अब हम इसे भी पैक करते हैं। इसकी जो सी है इसी तरह ही है, ट्राउज़र भी प्लास्टिक वाला बना हुआ है नीचे से ट्राउज़र सा, और ये जो सा ऊपर से भी ऐसे ही बना हुआ है। ये ईजी रहते हैं, बटन्स वाले नहीं मैंने लिया था क्योंकि वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये नेपी शेपी वाला बेबी है इसीलिए। तो चलें जी मैं इसे भी पैक कर दी है। और ये भी था रहीम का सेट, ये लें जी, ये भी आपने देख ली, ये लिया था रहीम के लिए, साथ साथ मैं रखती जा रही हूँ। और ये एक और आ गया था रहीम साहब का जी, ये लें जी, ये मैंने ली थी हुडी, ये भी रहीम के लिए, क्योंकि विंटर में आपको पता है आप शायद कह रहे होंगे मैंने हुडीज ज़्यादा ली हैं, क्योंकि विंटर में ज़्यादा बच्चों को यही कपड़े अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं ज़्यादा, फिर कपड़े पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा कोई बच्चों को तंग नहीं होते, बच्चे सॉफ्ट होते हैं, ईजीली पहन के कहीं पर भी हम लेकर जा सकते हैं बच्चों को। अब रहीम ने माशाल्लाह से नर्सरी भी स्टार्ट करनी है, तो इस वजह से मुझे था कि रहीम जो है ना उसकी थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग हो जाए तो बेटर है, क्योंकि अभी वो यूनिफॉर्म तो जाएगा नहीं पहन के। तो ये देखें जी, इसके साथ मैंने लिया था वाइट ग्रे सा ट्राउज़र है और ये साथ में ऑरेंज कलर की हुडी बनी हुई है। ये देखें जी, ये ट्राउज़र है कॉटन फैब्रिक का बना हुआ ये ट्राउज़र, और साथ में सेम फैब्रिक की हुडी बनी हुई है ये। तो ये था जी रहीम का एक और सेट, ये वाला था जी, ये भी रहीम का था, इसके साथ भी ट्राउज़र था सेम एज जो मैंने पहले आपको दिखाए हैं। और इसके साथ मैंने ये कलरफुल शर्ट ली थी, ये वाली आप देख रहे हैं, ये कलरफुल शर्ट ली थी मैंने, और साथ में मैंने इसके ऊपर पहनने के लिए ये हुडी ली थी, ताकि जिप वाली थी ये विदाउट, ये जिपर वाली है वो विदाउट जिपर थी, वो ज़रा हुडी में आ जाती हैं, ये ज़रा जिस तरह जम्पर स्टाइल में आ जाती हैं चीज़ें बच्चों की। ये देखें जी, ये ओपन होने वाली हैं और ये ओपन होगी तो इसके अंदर ये शर्ट जाएगी और ये सेट बन गया था। मैं ये भी आपको सेट बना के दिखा देती हूँ किस तरह का लगेगा। ये देखें जी, हाफ स्लीव मैंने इसीलिए शर्ट्स लिए क्योंकि रहीम हाफ स्लीव बहुत पसंद करता है, फुल स्लीव ज़्यादा नहीं लाइक करता। तो ये देखें जी, ये बन गया था सेट रहीम साहब का ये भी। तो ये देखें जी, ये भी बन गया था, कितना प्यारा लग रहा है कलर। अच्छा जी चलें जी, ये आ गया था रहीम का एक, ये बनी हुई थी डंगरी टाइप बनी हुई थी, ये फुल हाफ बनी हुई है जिस तरह आप देखें, फुल पाँव तक नहीं है। तो समटाइम वेदर गुड होता है तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, बच्चों को बड़ी क्यूट लगती है ये। इसकी इनसाइड जो थी ये रेड कलर की शर्ट थी, ये आप देख रहे हैं, और उसके ऊपर ये बच्चों की उन्होंने डंगरी टाइप बनाया हुआ था ये, और पीछे हुडी बनी हुई है, आप ये देख रहे हैं, ये हुडी बनी हुई है और वो है भी गुब्लू सा तो उसे सूट करेगी ये बनी। ये देखिए बैक पे बिल्कुल प्लेन है, तो ये भी हो गया था रहीम। और ये मैंने ली थी, और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैंने रहीम के कपड़े कहाँ से लिए थे, मैंने मिक्स लिए थे, कुछ मैंने प्रीमार्क से लिए थे, कुछ मैंने H&M से लिए थे और कुछ मैंने रिवर आइलैंड से लिए थे। तो मैंने इसीलिए मैं उसमें उस टाइम मैं बताना भूल गई थी आपको, पर एनीवे मैंने मिक्स लिए थे सब जगह से कपड़े, मैंने आपको दिखाया था जब मैं शॉपिंग कर रही थी, पर उस टाइम इतना मैं मेंशन नहीं कर पा रही थी शॉपिंग पे, क्योंकि रहीम भी साथ था, मोहम्मद भी साथ था, तो आपको पता है बच्चों के साथ कितना भागना पड़ता है। तो ये मैंने ले ली थी, ये मैंने ली थी H&M से मोहम्मद के लिए ट्राउज़र, क्योंकि मोहम्मद को डायनासोर बहुत पसंद है, इवन कि हम उसका रूम डेकोरेट करें मोहम्मद समी का और उसके अंदर भी डायनासोर की ही सारी सेटिंग करें। तो ये था जी ट्राउज़र उसका, और ये मैंने साथ दिया था जंपर, उसके ऊपर भी आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस वाला डायनासोर बना हुआ है,
इसके कलर चेंज हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर ऊपर की तरफ करें तो ये डायनासोर सांप जो से हैं ग्रे और ब्लैक हो जाते हैं, और अगर नीचे की तरफ हम जाएं तो ये डायनासोर सांप जो से हैं मल्टी कलर के हो जाते हैं, और इसके ऊपर लिखा हुआ है जुरासिक वर्ल्ड। जुरासिक वर्ल्ड आपको पता है कि जुरासिक पार्क जो से मूवी बहुत ज्यादा इन हुई थी लास्ट ईयर, बहुत ज्यादा, और कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जो मोहम्मद समी ने नहीं छोड़ी देखने में। तो ये मुझे अच्छा लगा था सेट पीस के साथ मैच करने के लिए, दोनों टू पीस नहीं था, ये वन पीस था और मैंने इसके साथ मैच कर लिया था। ये हो गया, और दूसरा मैं लेकर आई थी एक के, ये थी जी जीन्स के, उनका साइज दोनों का एक जैसा है तो इस वजह से मैं दोनों के एक जैसे कपड़े नहीं लेकर आती। पहले मैं लेती थी पर अब नहीं लेती मैं, क्योंकि अब साइज एक जैसा है तो जरूरी नहीं कि कोई भी नहीं कि बटन टूट जाएगा या कुछ भी हो जाएगा उस टाइप का नहीं है। और इनसाइड देखें कितना अच्छा उन्होंने बच्चों के लिए जर्सी टाइप लगाया हुआ इनसाइड फैब्रिक सा, कि बच्चे जो उनसे हैं मतलब कि जीन्स जो उनसी है सॉफ्ट फील करें, अकड़ी अकड़ी नहीं फील करें, कोई भी हार्ड सी ना फील करें, क्योंकि ये जो उनसी है विंटर में जीन्स में आपको पता है ज़्यादा ठंड लगती है, तो इस वजह से उन्होंने बहुत अच्छी बनाई हुई है जीन्स। और इसके जी देखें जी फोल्ड किया हुआ इन्होंने नीचे से, और देखें जी अब हम इसे फोल्ड करते हैं। इसके साथ क्या लिया था मैं ये भी आपको दिखा दूं पहले, फिर उसके बाद मैं दूसरा करूँगी। नहीं जी, इसके साथ मैंने मैच किया था ये जम्पर, ये बहुत अच्छा बना हुआ था, क्रोशिया स्टाइल का जम्पर था, बहुत नाइस था, कॉटन था, ये कॉटन इसका फैब्रिक है, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, ये मैंने लिया था। और दोनों भाई शेयर कर लेंगे, सम टाइम वो पहन लेगा सम टाइम ये पहन लेंगे। देख रहे हैं आप, ये रेड कलर का मोहम्मद का जंपर था जो कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में दिखाया था, आपको याद होगा अगर आप लोगों ने देखी है मेरी वो वीडियो फुल तो। और ये था जी इसके साथ ट्राउजर सेम, ये मैंने रहीम का भी ऐसा ट्राउजर लिया और इन दोनों का भी लिया, तो इसके साथ मुझे अच्छा लग रहा था ये कलर, तो नाइस लग रहा था रेड एंड ग्रे। तो ये मैंने एक सेट बना लिया था इनका, ये भी मिक्स मैच में किया था, ये टू पीस नहीं है, ये वन वन पीस थे और खुद से मैंने इनको कलर स्कीम के साथ मैच कर लिया था। लें जी अब ये देख रहे हैं आप, ये हुडी बनी हुई है और इसके ऊपर जो सा है इसके साथ मैंने ब्लू वाला जितना रहीम का मैंने आपको बताया वैसा ही मोहम्मद समी का मैंने मैच किया। ये देखें जी, लें जी ये इनका एक सेट, ये देखें जी, और ये इसके फुल स्लीव थे, हाफ स्लीव नहीं थे, और ये इनका एक सेट बन गया था ब्लू कलर में। और एक मैंने शर्ट ली थी, टी शर्ट है जिस बच्चे घर में पहन लें तो ये लें जी, एक मैंने ये ऑरेंज कलर की ली थी, मुझे ये बहुत प्यारी लगती है, ये समर में भी मैंने बच्चों को बहुत प्यारी शर्ट्स हो गई थी। और ये शर्ट का सेट था, ये जो उनसे ये थ्री का पेयर होता है, ये देखें इसके अंदर एक तो ये शर्ट थी ब्लू वाली, एक ये स्ट्राइपी थी, और थर्ड वाली जो थी ये स्किन ब्राउनिश सा कलर है वो वाली है। तो ये तीन का सेट था, मतलब के इनकी बनी हुई है, ये दिखाना मैं भूल गई थी आपको पहले, और इसके साथ भी ब्लू कलर का ट्राउजर। लें जी अब मैं करती हूँ यहाँ से वीडियो ख़त्म, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर आप थक जाएंगे देख देख के। और चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें शेयर करें और मेरे जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।